आपका अपना शोरूम वेलकम फर्नीचर्स। अब आपको शादी ब्याह के मौके पर या घर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ हमें ऑर्डर करना है। हम आपको नित नए अंदाज में और खास आपके बजट के हिसाब से उम्दा और कबाट, दीवार कबाट, पलंग, बॉक्स पलंग, किचन ट्राली, कूलर, माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन, स्टडी टेबल, बेडरूम सेट। तो एक बार जरूर आए। हमारा पता याद रखिए, जामतुल सवालात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। लेके चलो कायनात, लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। के ग्रुप होटल फैमिली हयात, लजीज पकवान की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम, जेड आर के ग्रुप फैमिली होटल हयात, जहां आपको मिलेगा बेहतरीन, लजीज, जायकेदार, मुकम्मल शरीयत इस्लामी के उसूलों पर बना हुआ खाना, जैसा कि लखनवी, कश्मीरी फूड, अरबियन डिश, मुगलई फूड वगैरह। साथ ही फैमिली के लिए सबसे बेहतरीन इंतज़ाम, आरामदेह व पुरकशिश माहौल के अलावा पार्किंग की बेहतरीन सहूलत, माह रमज़ान में ख़ास इफ्तारी का नज़्म, इबादत के लिए खुशादा इंतज़ाम। हमारा पता याद रखें, नेशनल हाईवे नंबर 3, आसमा मस्जिद के पास, होटल हयात। होटल के ऑनर ज़हीर अहमद शेख रईस ने होटल से मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम की, मुलाहिज़ा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़हीर अहमद शेख रईस है, मैं नासिक शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जो पेशा है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का है। मेरा जो तजुर्बा है वो ताज ग्रुप का है। जेड आर के ग्रुप जो फैमिली होटल हयात जो मालेगांव शहर में लेकर आया है, उसका मकसद एक ही है कि मालेगांव शहर के जो आवाम है उनको एक अच्छा हाइजीन और एक अच्छा क्वालिटी के साथ जो फूड है, अलग अलग तरीके के जो क्यूजिन्स है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे कि लखनवी क्यूजिन्स होते हैं, कश्मीरी फूड होते हैं, आपके अरबियन डिश होती है, कुछ जैसे ओरिएंटल डिशेस जो होते हैं, और कुछ हम लोगों ने मुगलई फूड का जो फ्यूजन को जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है यहाँ पर। साथ ही साथ में हम लोगों ने जैसे कि आर्टिफिशियल चीज़ें जो कि एड ऑन होती है फूडों में, हम लोग वो इस्तेमाल नहीं करते। वो मालेगांव की आवाम को हम लोग अपने इससे फैमिली होटल हयात के ज़रिए हम लोग उनको पेश करना चाहते हैं। उनकी खिदमत में एक अच्छे से हम लोग एक हॉस्पिटैलिटी जो है उसको हम लोग उनके सामने रखना चाहते हैं, और एक मालेगांव शहर का नाम जो एक अलग जो मकसद ये है कि जैसे कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसे बोला जाए, जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि फैमिली हयात होटल के साथ साथ मालेगांव शहर का भी नाम आगे जाए,
कि मालेगांव शहर में जैसे कि जो फैमिली होटल हयात है, ऐसे कोई अलग ऐसे कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे फैमिली के साथ जो है एक प्राइवेसी दी गई है, जहाँ पे हम लोगों ने, आप देखोगे यहाँ पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि दस्तरखान हम लोग ने लगाया है, जहाँ पे फैमिली अपने फैमिली के बच्चों के साथ और अपने औरतों के ख्वातीन के साथ वो आके यहाँ पे कंफर्टेबल उनको महसूस हो, एक अच्छी क्वालिटी का फूड हम लोग सर्व करें, जहाँ पे जैसे कि अजीनोमोटो हम लोग खाने में यूज़ नहीं करते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं होती है। यही हमारा मकसद है कि जो भी आवाम है जैसे कि उन तक हमारा जो फूड है, जो कॉन्सेप्ट है एक अच्छी क्वालिटी का और एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ उनके तक ये पहुँचे। और साथ ही साथ में जैसे कि यहाँ पे आप एक चीज़ और, ये मतलब हम लोगों के पास में जैसे कि 52 का जो स्टाफ है उसके अंदर हमने जैसे कि जो आज बेरोज़गारी चल रही है, आज जिस तरीके से मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से भी हमने कुछ स्टाफ यहाँ पे हायर किया है। उन लोगों को भी हम लोग अपने जो हमारा जो ZR के ग्रुप है उसकी जो SOPs है, जो स्टैंडर्ड है, उसको हम लोग उनको भी ये करेंगे और उनको भी ट्रेनिंग देकर हम उनको हमारे साथ जोड़ेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज मतलब रमज़ान का बाबरकत महीने में हमने इसकी इब्तिदा की, ओपनिंग की। मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश है कि फैमिली हयात होटल पे आए और हमें खिदमत का मौका दे और यहाँ के पकवान का, यहाँ की सर्विस का लुत्फ़ उठाए। आवाम को फैमिली होटल हयात की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की पुरखलूस मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।